नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस से जूझ रहे भारत में मोदी सरकार ने लगातार प्रयास जारी रखे हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी समस्या उन दिहाड़ी मजदूरों के लिए खड़ी हो गई है जो पैदल ही अपने घर के लिए पलायन कर गए थे। ऐसे मजदूरों के लिए अमित शाह ने बड़ा आदेश दे दिया है। इसके बाद यूपी के सीएम योगी को अपना फैसला बदलना पड़ जाएगा। मोदी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। 21 दिनों तक चलने वाले देशव्यापी बंद की वजह से दिल्ली और बड़े राज्यों में रहने वाले मजदूर और दिहाड़ी कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसी वजह से उन्होंने पैदल ही अपने घर के तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि नंदुरबार पुलिस ने बांटे एक हफ्ते का राशन। पुलिस कर्मचारियों ने अपने इनाम की राशि का इस्तेमाल किया और मजदूरों को राशन बांटा। आपको बता दें कि पुलिस ने 1000 लोगों को दिया हफ्ते भर का राशन और साथ ही साथ उन्हें हैंड सैनिटाइजर और साबुन भी बांटा गया। अब तक आपने और हमने देखा है एनजीओ समाज सेवक नेताओं को मदद करते हुए गंभीर मामलों में, लेकिन अब इस कोरोना वायरस को लेकर देश में दहशत फैली है जिसको लेकर पूरा देश लॉकडाउन है और ऐसे में लोग भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। एक तरफ कोरोना वायरस का डर लोगों को सता रहा है और दूसरी तरफ भूखमरी का डर। लोग काफी परेशान हैं, जिसको देखकर पुलिस भी नर्म दिली दिखा रही है, उन गरीबों को खाना खिला रही है। अब तक आप कई वायरल वीडियो में देखे होंगे पुलिस वाले इन लाचार मजदूरों को हर तरह से मदद करने में आगे आ रहे हैं। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशामध्ये जे लॉकडाऊन सध्या सुरू आहे, तर नंदुरबार शहरामध्ये त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये जी मध्य प्रदेश व गुजरात या ठिकाणाहून जी पोटापाण्यासाठी जी स्थलांतरित झालेली कुटुंब आहेत, त्यांचे आता दैनंदिन जे काम आहे ते बंद झालेलं आहे। ते या परिसरामध्ये झोपड्या करून राहतात, तर त्या व्यक्तींना त्यांनी इतरत्र फिरू नये व त्यांना दैनंदिन जे दोन वेळचं जेवण मिळावं या संकल्पनेमधून माझे सहकारी अपर पोलीस अधीक्षक श्री चंद्रकांत गवळी साहेब, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री पवार साहेब, स्थानिक गुन्हे शाखेचे श्री किशोर नवले साहेब व त्याचबरोबर संपूर्ण हे नंदुरबार जिल्हा पोलीस दलातील माझे सहकारी कर्मचारी यांनी संकल्पना मांडली की या व्यक्तींचा देखील विचार होणं तेवढाच गरजेचं आहे। हातावर पोट असलेली हे लोकं आहेत, लॉकडाऊनमुळे ते मूळ गावी परत जाऊ शकत नाही, तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊ नये, त्यामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील जे दानशूर व्यक्ती आहेत अशा व्यक्तींकडून दैनंदिन वापरासाठी लागणारा जो किराणा आहे त्याचे फूड पॅकेट बनवून साधारण 8 दिवस 4 व्यक्तींना पुरेल एवढं साहित्य वितरण आज नंदुरबार जिल्हा पोलीस दल यांच्यातर्फे करण्यात आलेलं आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये अशी जी कुटुंब स्थलांतरित आहेत परंतु ते घरी परत जाऊ शकत नाही, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करण्याचा हा मूळ उद्देश या संकल्पनेमध्ये आहे। तर मी नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की लॉकडाऊनचं पूर्णपणे पालन आपण करावं, त्याचबरोबर माणुसकीच्या भावनेतून ज्या लोकांना दोन वेळचं जेवण मिळत नसेल तर आपल्या परीने देखील त्यांना दोन वेळचं जेवण कसं मिळेल ही माणुसकी दाखवावी, हे मी आवाहन व विनंती नंदुरबार जिल्हा पोलीस दल महाराष्ट्र पोलीस दल यांच्या वतीने करतो। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।